नमस्कार, बेसिन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों। संदिग्ध परिस्थितियों में फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से आसपास की फैक्ट्रियों में हड़कंप मच गया। इस फैक्ट्री एरिया में आग लगने से आसपास की फैक्ट्रियों में हड़कंप मच गया। इस आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया और साथ ही जनहानि भी हुई। सूचना मिलने पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का यह मामला है, जहां स्पर्श इंटरप्राइजेस नाम की फैक्ट्री में आग लग गई। बीसीएन न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता की रिपोर्ट। दिल्ली धरने में बैठे किसान आंदोलन के समर्थन में ग्रामीण क्षेत्र में हुई पंचायत, सैकड़ों किसानों ने लिया भाग। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहम्मदपुर बैरई में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। दिल्ली में किसान आयोजन में किसानों को ले जाने को एक पंचायत का आयोजन राकेश यादव उर्फ राकेश टिकट की अध्यक्षता में पंचायत का आयोजन हुआ। किसानों को जमकर सरकार के विरोध में उकसाया गया। सरकार को किसान विरोधी साबित करने के हर पहलू प्रयास किया गया। क्या है यहाँ ये यहाँ पे जो है बेरई ग्राम पंचायत में किसान जो लोग वहाँ बैठे हुए राकेश टिकैत है और किसान संगठन है गाजीपुर बॉर्डर पे पूरे देश के यानी दिल्ली के इर्द गिर्द जो किसान घेरा डाले हुए उनके समर्थन में यहाँ पे ये पंचायत हो रही है कि आगे चल के जब आंदोलन बढ़ेगा तो यहाँ के लोग भी उस आंदोलन में सक्रिय अपना योगदान दें। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। कासगंज कोतवाली पटियाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीन अंतर्राज्यीय असहार तस्कर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों के पास से पांच देशी पिस्तल, छह कारतूस व सात अवैध तमचिम, 10 जिंदा कारतूस के बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने तस्करी में प्रयोग की जा रही गाड़ी को भी अपने कब्जे में लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी मनोज कुमार सोनकर ने बताया कि पटियाली कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक लाल कलर की दिल्ली नंबर की गाड़ी अवैध असलाहों के साथ जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पटियाली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को लाल कलर की गाड़ी आती दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रोक कर चेकिंग की तो उसमें से पुलिस ने पांच देसी पिस्तौल, छह कारतूस व सात अवैध तमंचे, 10 जिंदा कारतूस के बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने गाड़ी में बैठे तीनों असलाह तस्करों को हिरासत में ले लिया। साथ ही तस्करी में लाई गई गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। वहीं उन्होंने बताया कि पकड़े गए उक्त तीनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं, जो कासगंज जनपद से असलाह ले जाकर दिल्ली में ऊंची कीमतों में बेचते थे। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों को संबंधित धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई की है। बीसीएन न्यूज के लिए कासगंज से संवाददाता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर पालिका के ठेका सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका में धरना प्रदर्शन दिया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि हमारी तीन चार महीने से सैलरी नहीं आ रही है तो हम सब लोग अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे। हमारे पास कोई और रोजगार नहीं है। हम अपने घर का खर्चा सैलरी से चलाते हैं, वह भी हमें टाइम से नहीं मिलती है। इस बात को लेकर ठेका सफाई कर्मचारियों ने आज नगर पालिका में धरना प्रदर्शन दिया। जब नगर पालिका के युवा अवधेश कुमार से बात की गई तो उनका कहना है कि यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। उन लोगों ने अपने सैलरी को लेकर हमसे बातचीत की है और हम शासन प्रशासन को इसकी सूचना दे चुके हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर जो सरकार का ये चल रहा है, सारी एक कटौती की है और कोरोना के दौरान सारे विभागों में बुरा हाल है। नगर पालिका में ज्यादा है, हमारे यहाँ के सफाई कर्मचारी जो ठेके पर रखे गए थे वो भूखों मरने के कगार पर है। ये धरना नहीं था, ये अचानक सब लोग कर्मचारी आए, ये ठेके पे जो रखे गए और सोर्सिंग पे ये कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, इनका वेतन तीन चार महीनों से पेंडिंग है। तो एक महीने का वेतन कल इनके अकाउंट में चला जाएगा, तीन महीने का बचेगा। ये शासन स्तर से ग्रांट कट के आ रही है और हमारे यहाँ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यहाँ पर हाउस टैक्स और वाटर टैक्स स्थगित है, इस वजह से इनके वेतन इत्यादि में भुगतान में समस्याएं आ रही हैं। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। जनपद महोबा में उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के द्वारा महोबा स्थित कार्यालय में विगत पांच माह से बकाया वेतन, पेंशन एवं वर्ष 2016 से बकाया पेंशनरी देयों का भुगतान न होने से उत्पन्न भुखमरी की स्थिति एवं मानवीय रूप से अवरुद्ध की गई है। मृतक आश्रित नियुक्तियों की बहाली के संबंध में जल निगम संघर्ष समिति के द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया।
उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के द्वारा महोबा स्थित कार्यालय में विगत 5 माह से बकाया वेतन पेंशन और वर्ष 2016 से बकाया पेंशनरी देव का भुगतान न होने से जिलाधिकारी को 3 सूत्रीय मांग को दिसंबर साल 2020 से अब तक 5 माह का वेतन और पेंशन का तत्काल भुगतान एवं प्रति माह नियमित रूप से वेतन और पेंशन का भुगतान ट्रेजरी से कराए जाने की मांग की है। वर्ष 2016 से बकाया सभी पेंशनरी का भुगतान किए जाने की मांग की है। साथ ही भुखमरी के कगार पर पहुंचे मृतक कर्मियों के आश्रित परिवारों के सदस्यों की वर्ष 2018 से अवैधानिक मानवीय रूप से अविरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति तत्काल प्रारंभ किए जाने की भी मांग संघर्ष समिति के द्वारा रखी गई है। अन्यथा की स्थिति में जल निगम संघर्ष समिति द्वारा आगामी 16 फरवरी से 22 फरवरी तक कोविड 19 के निर्देशों का पालन करते हुए जल निगम मुख्यालय में क्रमिक अनशन और प्रदर्शन करेंगे। सभी कार्मिक जो हैं यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारी हैं, कुछ पेंशनर भी हैं इनमें हमारे साथ में, और हम सभी लोग मिलकर 5 माह से बकाया वेतन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे जिला संयोजक श्री ए.के. अवस्थी साहब हैं और मैं खुद मीडिया प्रभारी कमलेश कुमार वाजपेयी। यहाँ पर जो संघर्ष समिति बनाई गई है उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति जनपद महोबा के लिए, उसमें संयोजक और मीडिया सह प्रभारी के पद पर हैं। बीसीएन न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।